शुभ संध्या आप सभी को दोस्तों, और पारंपरिक तौर पर चलिए आइए हम लोग अपनी अपने ध्वनि की जांच कर लेते हैं। आइए हिंदी कक्ष में आप सभी को नमस्कार, और मुझे उम्मीद है कि आप अपनी अनुवादक की आवाज को सुन पा रहे हैं और मैक्सिम की स्क्रीन को आप देख पा रहे हैं। यदि आप ऐसा कर पा रहे हैं तो 10 दबाकर इसकी पुष्टि कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद आपका सतीश जी। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप सभी लोग मुझे ठीक प्रकार से सुन पा रहे हैं, तो सूरज ने यहाँ पर लिखा है और उन्होंने हिंदी में लिखा है, और उन्होंने जो लिखा है वो यही लिखा है हिंदी में कि आवाज बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के फीडबैक का। जो लोग ये कह रहे हैं कि सारी चीजें बिल्कुल ठीक हैं, तो अंग्रेजी के प्रतिभागी और हिंदी के प्रतिभागी मुझे बताएं कि आप सभी लोगों को सही रूप से चीजें ठीक सुनाई और दिखाई दे रही हैं। सामान्य तौर पर चीजें जो है वो हमारे यहाँ से चीजें ठीक रहती हैं। और सतीश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो एक तकनीकी घोषणा मैं करना चाहूंगा। ये हो सकता है कि बैठक के बीच में जो मेरी स्क्रीन है वो बंद हो जाए, और आप जो हैं आप बिल्कुल छोड़कर मत जाइएगा, और 5 से 10 मिनट में मैं वापस आऊंगा, क्योंकि जिस क्षेत्र में मैं अभी हूँ यहाँ पर युद्ध की वजह से जो है ब्लैकआउट हो जाता है, बिजली चली जाती है। तो परंतु मेरे पास अपनी एक एक ऊर्जा स्रोत है, और मैं मुझे समय लगता है कि मैं जनरेटर को चालू करूं। तो यदि ऐसा होता है तो मैं आपके साथ फिर से जुड़ जाऊंगा और अपनी बैठक को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। 29 अगस्त का दिन है, 2024 साल है, और गुरुवार के दिन परंपरा अनुसार हम लोग जो है बैठक करते हैं, जहां पर मैं जो RSW सिस्टम्स का CEO के तौर पर, जो कि अभी भी RSW सिस्टम्स जो हम बोलते हैं, मैक्सिप जो है वो आप के प्रश्नों का उत्तर देता है, तथ्यों को साझा करते हैं, और स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम लोग जो है आपके उत्तर देते हैं, और अपने क्लाउड क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म जो है RSW सिस्टम्स, और हम लोग ये बैठकें जो है वो सामान्य तौर पर करते हैं, और गुरुवार को सामान्य तौर पर ये बैठक होती है। परंतु मैं यहाँ पर जो हम बहुत शीघ्र, मैं आपको बता दूं कि जो हमारे स्पीकर्स की जो टीम है वो थोड़ा सा उसका विस्तार किया जाएगा, और इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। पर जो ये बैठक है उसको हम लोग जो उसका कार्य संचालन है वो आमतौर पर ही करेंगे, परंतु तो आज की जो ये बैठक है, ये मैं ग्रीष्म ऋतु को जो है समर्पित करना चाहूंगा। और 3 महीने हो चुके हैं ग्रीष्म ऋतु को, और जो नतीजे हम लोगों, जो UST कंपनी, जो कि इंजीनियरिंग कंपनी है, जो जॉइंट स्टॉक क्लोज्ड कंपनी है स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज की, और समग्र रूप से डॉक्टर निस्की की टीम ने जो कि विकास किया है प्रौद्योगिकी का, जो कि डिजाइन किया है, उसका कार्यान्वयन किया है, और ये प्रौद्योगिकी अभी भी डॉक्टर इंस्के उसकी टीम द्वारा जो है ये कार्यान्वित की जा रही है। तो एक सारांश बैठक है जो कि ग्रीष्म ऋतु के, 2024 की ग्रीष्म ऋतु के बारे में सारांश में सारे की सारी जो चीजें हैं उनका अध्ययन करेंगे। और हम लोगों ने मिलकर जो लाभांश का जो घोषणा हुई है, जो कि कुछ हफ्ते पहले हम लोगों ने इसके ऊपर भी चर्चा की थी, और इसी प्रकार हम लोग जो नतीजे हैं, जो जो उपलब्धियां हैं स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजीज की,
उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मुझे एक क्षण दीजिए, क्योंकि जो मेरे मेरे सिस्टम्स मुझे बता रहे हैं कि हेडफोन्स चालू हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि कुछ बदला नहीं है। तो बहुत बढ़िया। तो जैसा हम पहले करते हैं कि हम लोग आप लोगों से शुरू करते हैं। जून, जुलाई, अगस्त 2024, तो आपके अनुसार आपको क्या लगता है, जो हाल ही की जो खबरें हैं, जो हाल ही की जो खबरें हैं, उसके अंदर आपको कौन सी खबर जो है वो सबसे ज्यादा उसने आकर्षित किया, जो ग्रीष्म ऋतु की जो खबरें हैं, तो आपको किस खबर ने सबसे ज्यादा आकर्षित किया? आपके दिमाग में कौन सी वो खबर है जो बैठी, कोई एक ऐसा इवेंट जिसने आपको आहा क्षण दिया, या आपको लगा कि सारी की सारी चीजें जो है वो आपकी योजना के अनुसार जा रही हैं, या हो सकता है कि कुछ किसी एक इवेंट ने आपके दिमाग में वो शंका का बीज बो दिया? तो मैं चाहूंगा कि हम इस बैठक को थोड़ा संवादात्मक तरीके से करें और इसके ऊपर चर्चा करें। तो पहले कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं। वेरिका कह रही हैं कि जो लाभांश की जो घोषणा है वो सबसे अच्छी खबर है। मैं आपसे 100% सहमत हूं, क्योंकि ये बहुत ही पारदर्शी जानकारी थी जिसके लिए हम लोग इंतजार कर रहे थे और बहुत समय से इंतजार कर रहे थे। हम लोग इस विषय के ऊपर कंपनी से खबर सुनना चाहते थे, और ये ग्लोबल ट्रांसपोर्ट इन्वेस्टमेंट और हम लोग जो है यहाँ पर आधिकारिक जो जो घोषणा थी वो हम लोग सुनना चाहते थे, जो कि लाभांश किस पर के बारे में होगा और यूनिलाइट कॉम्प्लेक्स लॉन्च हुआ है। जी हाँ, ये एक और खबर है। ये भी एक बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धता है और हम लोग अपने आप को बधाई दे सकते हैं, डॉक्टर यूनिस्की को बधाई दे सकते हैं, क्योंकि ये पहली ऐसी परियोजना है जो कमर्शियल है। उसको डिजाइन किया गया था कि वो कार्गो और यात्रियों को ले जा सके, परिवहन यातायात उनका कर सके, और पहले अगर हम बात करें तो जब हम परीक्षण कर रहे थे तो केवल और केवल ये कार्गो के लिए ही बनी थी, लेकिन अब जो है जो इसका कार्य संचालन है वो यात्रियों के लिए भी है। तो ये एक अच्छी खबर है। और ये जो क्षेत्र है ये काफी करीब है एको टेक्नो पार्क के, जो कि एक तरह से रिजॉर्ट है और एक मनोरंजन का केंद्र है। तो मैं ये कहूंगा कि ये एक प्राकृतिक रिजर्व है, और जो ये यूनिलाइट कॉम्प्लेक्स जो है वो यात्रियों को, रिजॉर्ट के यात्रियों को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाएगा। तो जिन लोगों ने जो लोग यहाँ पर आए हैं, जो यहाँ पर जिन्होंने यहाँ पर अपना समय बिताया है, तो उनको पता होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। नहीं तो आप वीडियोस देख सकते हैं। जो पहला कमर्शियल परियोजना है वो किस प्रकार से जीवांत हुई है और किस प्रकार के कार्य किए गए हैं, हमारे कस्टमर्स कौन हैं, और ये वीडियो जो है वो पूरी की पूरी चीजें आपको बताता है। तो ये जो खबर है हमें ये बताता है कि ये जो कमर्शियल परियोजना है, और मैं इसको कमर्शियल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोग जो हैं टिकट के लिए पैसा देंगे ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो जा सकें। तो हम लोग इसको वाकई में पहला कमर्शियल परियोजना इसको बोल सकते हैं। बहुत बड़े स्तर पर तो नहीं है, बहुत ज्यादा इसके अंदर जो है वो जो 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 रास्ता है वो रास्ता बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, परंतु वो कहते हैं ना कि बड़ा सफर जो होता है वो छोटे कदमों से शुरू होता है। तो मुझे लगता है कि ये जो कदम उठा है ये काफी ज्यादा गंभीर है और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ताकि जो
दूसरे कस्टमर्स हैं वो ये देख पाएंगे कि जो स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी की जो प्रौद्योगिकी है वो वाकई में कार्य कर सकती है, और ये आगे चलकर जो है हैवी ड्यूटी कार्गो को भी ले जा पाएगी। क्योंकि अगर एक जो जो प्रारूप है वो प्रारूप अगर उसको प्रमाणीकरण करके उसकी उसको कार्यान्वित किया गया है, तो बाकी की चीजें जो है वो केवल समय का समय है और समय के की बात है कि ये सारी चीजें भी हो जाएंगी। और यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि बहुत सारी कंपनियां जो है इसमें दिलचस्प हैं। जी हाँ, 2024 की जो खबरें हैं वो इसके बारे में भी बात करती हैं कि बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी जो कानूनी जो इकाइयां हैं वो वाकई में बहुत दिलचस्पी दिखा रही हैं। उसके बाद कंपनी जो है उन्होंने बहुत सारे समझौते किए हैं जहां पर वैज्ञानिक जो और बहुत बड़े बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के साथ संधि की गई है, वैज्ञानिक संधि की गई है, और ये सारे के सारे इंस्टीट्यूट जो है वो पूर्वी यूरोप रिपब्लिक ऑफ बेलारूस में है, जहां पर कंपनी जो है अपने इंजीनियरिंग गतिविधियों को कर रही है और बहुत सारी दिलचस्पी जो है लोगों की बढ़ रही है। और बहुत हाल ही में ये R&D यानी कि शोध संस्थान संस्थान भी बना है। उसके बाद जो लोग हमेशा जो संदेह करते थे कि ये प्रौद्योगिकी रूप से ये नहीं हो सकता, ये असंभव है, मुझे लगता है कि अब हम लोगों को पुष्टि की जा चुकी है कि ये टेक्नोलॉजी ये प्रौद्योगिकी जो है वो वाकई कार्य कर सकती है। रुपेवा उन्होंने ये लिखा है कि क्या यहाँ पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया जा रहा है? जी हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि कुछ यूनिट्स में और जो रोलिंग स्टॉक है उसके उसके अंदर AI जो है वो जरूर कार्य मिलाई गई है। और 3 या 4 साल पहले जब डॉक्टर यूनिस्की ने व्यक्तिगत तौर पर दिखाया था, तो जो AI है वो उसका इस्तेमाल किया गया है। ये आप एक तरफ से ये जो AI है ये इसलिए इस्तेमाल की जाती है जब रोलिंग स्टॉक जब चल रहा होता है, और यदि कोई चीज आगे आ जाती है या कोई मनुष्य या कोई जानवर आगे आ जाता है तो ये रोलिंग स्टॉक अपने आप रुक जाता है। और डॉक्टर यूनिस्की जो है उन्होंने इस चीज को कर कर दिखाया है पिछले कुछ सालों में। और जी हाँ, जो जो ये प्रणाली है ये AI के माध्यम से ही होती है, क्योंकि कुछ एक एल्गोरिथम जो होते हैं जो इसके अंदर निर्माण किए जाते हैं जो कि स्वतः रूप से ये पहचान जाते हैं कि पटरियों के ऊपर कोई रुकावट है, और ये जो प्रणाली है ये सुनिश्चित करता है कि जो यात्री हैं रोलिंग स्टॉक के अंदर वो सुरक्षित रहें। और साथ ही साथ जो 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 एनवायरनमेंट है जो वन्य जन जीवन है उसका भी ये सुरक्षा प्रदान करता है। तो जैसे कि अगर आप देखें कि अगर आप ये आप कल्पना कीजिए कि जो रोलिंग स्टॉक है वो खेतों से निकल रही है, जंगलों से निकल रही है, और एक बहुत बड़ा ट्रक उसके सामने आ जाता है, तो ये जो AI है ये प्रणाली सक्रिय हो जाएगी और ये जो दुर्घटनाएं हैं उनको रोक देगी। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आपके आपकी टिप्पणी को मैंने मैंने जरूर समझाया है। और क्या चीजें आपको याद रही 2024 के ग्रीष्म की? आपके दिमाग में वो कौन सी चीज जो है वो गई है हमें जरूर बताइए। कोई भी कुछ बोलना चाहेगा? तो मैं स्क्रीन आप लोगों के साथ साझा करता हूं और मिलकर हम लोग जो है वो न्यूज फीड को देखते हैं और देखेंगे कि
के ग्रीष्म काल में क्या हुआ था, जून से शुरू करते हैं और जो उस क्षेत्र के अंदर जो तो बेलारूसियन इंजीनियरिंग स्कूल के अंदर जो प्रौद्योगिकी है उसके बारे में बात की गई है, तो यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प दृष्टिकोण आ रहा है और यह हम लोगों की मदद करेगा समझने के लिए कि वैश्विक स्तर के ऊपर जो जो जटिलता है जो इस प्रौद्योगिकी को अपनाने में वो बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं कि हम लोग इसको एक अलग रोशनी में देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यह हमारे लिए बहुत ही अलग तरीके से इसका मतलब निकलता है और हमें यह भी समझना होगा कि इस प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के लिए ये कितना वैश्विक स्तर के ऊपर जो है ये जटिल है। और मजेस्टा ये कहती हैं कि बहुत सारे सालों से हमारी कंपनी जो है वो एक देश से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और ये 2014-2015 के अंदर कंपनी ने अपना कार्य शुरू किया था और केवल उन्होंने एक ही देश में शुरू किया था जो कि बेलारूस था, और जो कंपनी है वो कंपनी जो है वो एक देश की सीमाओं से काफी आगे बढ़ चुकी है। जो यूएसटी टेक्नोलॉजी है वो अब यूएई में भी कार्यान्वित, यूएस, रशिया, भारत और मैं यहाँ पर यूरोप को भी जोड़ना चाहूंगा और बहुत सारे दूसरे प्रांत जो हैं वो यहाँ पर मैं जोड़ना चाहूंगा। और इनके बारे में हम लोग वीडियो से जो जो टीम जो वीडियो पोस्ट करने वाली है और ये वो टीम है जो कमर्शियल परियोजनाओं पे काम कर रही है, और हर एक बैठक में मैं आपको याद दिलाता हूं कि जो लोग ने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है और कमर्शियल प्रोडक्ट की जो संभावनाएं हैं तो आपको यूएसटी चैनल के ऊपर जाना चाहिए यूट्यूब के अंदर, और उसमें 5 ऐसे वीडियोस हैं जो कि तकनीकी अवलोकन आपको कराते हैं, आपको बताते हैं कि हर एक परियोजना के अंदर जो परियोजना है वो कितने जटिल चरणों से गुजरती है इससे पहले कि उसके ऊपर कार्यान्वित किया जा सके। और जो निर्णय है वो उसी समय नहीं लिए जाते परंतु परंतु मुझे लगता है कि थोड़ा समय गुजर जाता है और जो परियोजना है वो अपने चरणों को धीरे धीरे पूरा करती है, अपने जो जो समीक्षाएं होती हैं और उसके बाद प्रमाणीकरण होता है और साथ ही साथ फिर सरकार जो है उसके ऊपर जो है वो कार्य करती है और समीक्षा करने के बाद उसको पारित करती है। तो बिल्कुल आपने जो बोला है कि जो जो मई के अंदर जो आर्टिकल प्रकाशित हुआ था उसके अंदर ये लिखा था, उसके बाद बहुत जो फोर्स मैगजीन के अभी एक एक लेख एक आर्टिकल प्रकाशित हुआ था और थोड़ा सा देर से हुआ था, तो चलिए हम लोग मुझे एक क्षण दीजिए मैं इसको निकालने की कोशिश करता हूं और ये था और एक और फोर्ब्स मैगजीन में ये एक लेख एक आर्टिकल प्रकाशित हुआ था और वो जानकारी जो है आप अगर आप लिंक को अनुसरण करेंगे लिंक को फॉलो करेंगे तो आप उस जानकारी को प्राप्त कर पाएंगे। आप जो है forbes.com के ऊपर जा सकते हैं, ये एक फोर्ब्स की जो वेबसाइट है ये अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइट है जिसके अंदर ये आर्टिकल है और ये आर्टिकल जो है ये मजिस्टा द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो आप यहाँ पर देखिए कौन इसके लेखक हैं, कौन है जो मजिस्टा कौशरो हैं और जो मूल जो लेख है वो अंग्रेजी में है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो यदि आप अंग्रेजी बोल
का इस्तेमाल करके इसके अंदर जो है अनुवाद अपनी भाषा में प्राप्त कर सकता हूं। और ये इस साल है जो कि 2024 के अंदर की कंपनी की जो शीर्ष या वरिष्ठ मैनेजमेंट जो है, प्रबंधन टीम जो है, वो ये चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया प्लेटफॉर्म में उनकी पहचान बने और उनकी बढ़े। और मुझे लगता है कि फोर्ब्स मैगजीन को मुझे जो है उसके ऊपर मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये प्रकाशित पुस्तिका कितनी ज्यादा जो है प्रचलित है। और डॉक्टर यूनिस्की की जो टीम है, उन्होंने समर्पण किया अपने समय का ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय फोरम में आकर भाग ले सकें, महागोष्ठी और चर्चाओं में भाग ले सकें। और एक हाल ही की जो खबर है वो ये कि यूएसटी जो टेक्नोलॉजी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स बैठक में इसका प्रदर्शन किया गया था। और ये एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंच है जिसके अंदर बहुत सारे देश हिस्सा लेते हैं। और डॉक्टर यूनिस्की ने व्यक्तिगत तौर पर और उनकी टीम ने इसके अंदर भाग लिया था। और आप देखेंगे कि कंपनी के जो सीईओ हैं वो प्रचार कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी का एमिरेट्स के अंदर। एलेक जेलेस्की और डॉक्टर यूनिस्की जो कि सीईओ हैं इंजीनियरिंग कंपनी के, जो कि एक क्लोज्ड जॉइंट स्टॉक कंपनी है स्ट्रिंग स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज के, और उसके साथ साथ डेप्यूटी सीईओ हैं युवगेनी पेत्रोफ। तो ये जो टीम है इसको जरूर आप याद रखिएगा। और उन्होंने वहां पर एक पैनल चर्चा भी की, और ये एक वाकई में एक गंभीर स्तर है जो आपको जिसमें मान्यता प्राप्त हो रही है। और 27 अगस्त को ये खबर प्रकाशित हुई है जो कि एक दिन पहले की बात है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धता है कंपनी के लिए, जहां पर एक कंपनी को बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंचों के ऊपर जगह मिल रही है, उनको बुलाया जा रहा है जो कि यूरोप के उसके अंदर एशियाई और जो जो इंडोनेशिया के बाजार हैं वो काफी दिलचस्पी इन चीजों में दिखा रहे हैं। काफी सम्मान की बात है और ये इस चीज को भी दर्शाता है कि हमारी प्रौद्योगिकी की जो मांग है वो बढ़ रही है। और अलेक्जेंडर कह रहे हैं कि ये जो ब्रिक्स फोरम की जो खबर है ये वाकई में लगा देगी। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो वाकई में जो सकारात्मक खबरें हैं, बहुत उज्जवल भविष्य की खबरें हैं, लेकिन सभी जो पार्टनर्स हैं वो इस चीज को नहीं समझते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि ये धोखाधड़ी है। ये मुझे पता चलता है जब मैं टेलीग्राम के अंदर कोई खबर प्रकाशित करता हूं, उसकी जो टिप्पणियां आती हैं, या जो मैं बैठकें कर रहा हूं और उसके अंदर जो 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 हम लोग लाइव करते हैं और जो रिकॉर्डिंग जो है वो यूट्यूब पर आती है, तो बहुत सारे जो टिप्पणियां हैं, जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा, ये दिखाती हैं, ये दर्शाती हैं कि सभी निवेशक जो हैं इस कंपनी के आकार को नहीं समझ पा रहे हैं और उनको लगता है कि ये केवल और केवल जो है ये अटकलें ही हैं। और वो जो है नकारात्मकता हमारे प्लेटफॉर्म के लिए फैलाते हैं। मुझे लगता है कि ये जो नकारात्मकता है, ये नकारात्मकता इसलिए भी होती है कि उनको ये पता नहीं है कि उन्होंने किस चीज में निवेश किया है और ये कंपनी किस प्रकार विकसित हो रही है। तो यदि अगर आप अपने आप को पहचानते हैं, जो मैं कह रहा हूं, जब आप एक रिकॉर्डिंग देखते हैं, तो इससे पहले कि आप किसी भी जो निष्कर्ष पर पहुंचे, तो आप देखिए, इन खबरों को पढ़िए, और आप देखेंगे कि जिस आकार की मैं बात कर रहा हूं, तो जो मान्यता इस कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिल रही है, ये बहुत आसान नहीं है। आप इसको खरीद नहीं सकते हैं और ये कोई नकली मान्यता नहीं प्राप्त हो रही है, रिकग्निशन प्राप्त नहीं हो रही है, बल्कि इंजीनियरिंग टीम की कड़ी मेहनत है
जो डॉक्टर यूनिट्स की जिसका जिसको जिसको लीड कर रहे हैं, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के अंदर, इंजीनियरिंग समुदाय के अंदर, वैज्ञानिक समुदाय के अंदर, आर्थिक समुदायों के अंदर इस परियोजना का जो है वो डंका बज रहा है। और ये सभी फोरम्स जो हैं इसके अंदर कंपनी ने भाग लिया है, और ये उपलब्धता की निशानियां हैं। देखिए, जो कंपनियां जिन्होंने कभी भी कुछ उपलब्धता, माफ कीजिएगा, जो उपलब्धि नहीं प्राप्त की है, तो उनको कभी भी इन फोरम्स के अंदर, इन बैठकों के अंदर जो है वो निमंत्रण नहीं मिलता है। तो ये एक चीज और बताती है कि हम लोग जो इन्वेस्टमेंट, जो निवेश का जो मॉडल था क्राउड फंडिंग का, तो वाकई में इस क्षेत्र के अंदर जो हम लोगों ने निवेश किया था वो आज दृश्यमान है, उसकी मांग भी बहुत ज्यादा है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर लोगों को जो है वो काफी दिलचस्पी भी जो है वो आ रही है। और जब मैं, तो जैसा कि मैं कह रहा हूं कि ये जो सारी उपलब्धियां हमारी भी हैं, और हम लोग गर्व से हमारी उपलब्धियां कह सकते हैं, क्योंकि क्योंकि कंपनी ने बहुत ज्यादा जो है मूल्य हम लोगों के लिए लेकर आई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके फीडबैक का, आपकी समझ का, और जिस जगह पर आप आज हैं, और जिस प्रौद्योगिकी में आपने निवेश है। और क्या, चलिए आगे देखते हैं। एक और ब्लॉग, उसके अंदर एक आर्टिकल प्रकाशित है, और वो ये बात कर रहा है कि यूनी मोबाइल का अनन्य डिजाइन है उसके दरवाजे का, और बहुत जो रोलिंग स्टॉक है वो वाकई में बहुत बढ़िया है और अपना कार्य कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि डॉक्टर की यूनिस की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी के अंदर एक ब्लॉग है, और यहाँ पर जो जो वेबसाइट है वो वैज्ञानिक वेबसाइट है, जो कि बताता है उपलब्धियों को और विकास को जो कि इस क्षेत्र के अंदर हो रहा है। तो यहाँ पर उन्होंने बता रहे हैं कि किस प्रकार से ये दरवाजे जो रोलिंग स्टॉक के हैं वो किस प्रकार से अनन्य है, और तो ये बताता है कि प्रकाशित हुआ है, जो कि एक वैज्ञानिक वेबसाइट है, और ये एक साइंटिफिक प्रकाशन है जहां पर वो बताते हैं कि जो अनन्य प्रौद्योगिकी आ रही हैं, वो बताते हैं कि किस प्रकार से उस प्रौद्योगिकी की समीक्षा की गई, वो बताते हैं कि किस प्रकार से उसको प्रमाणीकरण प्राप्त हुआ, किस प्रकार से अलग अलग समाधान विकसित किए गए। तो मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और जब आप हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर ये खबरें देखते हैं, क्योंकि जब आप RSW सिस्टम्स प्लेटफॉर्म पर हम जब जाते हैं, तो ये सारी की सारी जो खबरें हैं, ये खबरें वहां पर भी प्रकाशित हैं, जो कि आधिकारिक वेबसाइट के ऊपर है। और इन खबरों के साथ साथ जो बैठकें हमने की हैं, जो प्रमोशंस हम लोग इस समय चला रहे हैं, और इसी के साथ साथ हम लोग जो है खबरों को लगातार तरीके से प्रकाशित भी करते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा कि किस प्रकार से इस वेबसाइट का सही इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब आप वेबसाइट पर जाते हैं, तो वेबसाइट ये सुझाव देती है कि आप टेलीग्राम चैनल के साथ सब्सक्राइब कर लें, और आपने अभी तक ये नहीं किया है तो आप जरूर कर लें। उसके बाद आप जो है वहां पर देख सकते हैं, और डोंट शो इट अगेन, और वहां पर उस चेकबॉक्स को, रेडियो बटन को आप दबा दीजिए। तो देखें, और मैं यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक लिंक है, और आप उसका बटन दबाते हैं तो आप यूएसटी की वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं। तो यूएसटी जैसे कि प्रकाशित करता है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये खबर उन्होंने प्रकाशित की। उन्होंने फोर्ब्स मैगजीन की खबर प्रकाशित की,
और हम लोगों ने जो जानकारी दी कि जो उन्होंने एक फोर्ब्स की वेबसाइट के ऊपर एक और ब्लॉग प्रकाशित किया है, तो आपके पास सारे के सारे मुख्य बिंदु हैं, और ये सोर्स कहाँ से है, तो जब आप देखेंगे तो आप यूएसए वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, और यदि आप पूरे के पूरे लेख को पढ़ना चाहते हैं मूल वेबसाइट के ऊपर, तो आप जो है इसको क्लिक करें और आप सीधा मूल वेबसाइट के ऊपर पहुंच जाएंगे, जो कि फोर्ब्स की वेबसाइट है जहां पर ये आर्टिकल प्रकाशित हुआ था। तो यहाँ पर कोई कोई नकली खबर नहीं है, फेक न्यूज नहीं है, ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल असली हैं, और आप जो है जो जो मूल सोर्स है वहां तक आप पहुंच सकते हैं। और जो कंपनी है वो कभी भी जो है पिछले 10 सालों से या पिछले 50 साल की जो कार्य संचालन डॉक्टर यूनुस की जो कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने 200 से ज्यादा साइंटिफिक का कागज जो है उन्होंने प्रकाशित किए हैं, और उन्होंने काफी कार्य किया है स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज में नहीं बल्कि और भी क्षेत्रों में। मैं थोड़ा सा मैं शीर्षक से हट गया हूं, पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है कभी भी उन्होंने इस प्रकार के विकल्पों का इस्तेमाल नहीं किया होगा और उनको नहीं पता होगा कि ये खबर कैसे प्रकाशित की जाती है। तो अगर आप वेबसाइट पर जाएंगे तो सबसे पहले आप इसको देखेंगे और वहां पर सोर्स है, तो आप उस सोर्स पर क्लिक कीजिए और इसको आप अनुसरण कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, और आप मूल जो जो जगह है जो मूल सोर्स है मूल स्थान पर आप वापस पहुंच सकते हैं। तो कितने जो प्रतिभागी आज हैं उनको ये नहीं पता है कि ऐसा भी जो है वो सोर्स को प्राप्त किया जा सकता है। तो जब तक आप इसका उत्तर दे रहे हैं, तो अलेक्जेंडर कह रहे हैं कि 2015 में हम लोग ऐसी खबरों का ऐसे आर्टिकल्स का सपना भी नहीं देख सकते थे। और पर ठीक बात है आपकी कि आपने शायद सपना नहीं देखा था, पर मुझे जरूर पता था कि ऐसा होगा, क्योंकि जो नवोन्मेष जो नवाचार ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हो रहा है आप उसको अनदेखा नहीं कर सकते हैं। तो जो आधुनिक समुदाय है वो इसके लिए 200 साल से इंतजार कर रहे हैं। तो मंगलवार को जो हमारा प्रस्तुतिकरण था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपोर्टेशन क्षेत्र के अंदर परिवहन क्षेत्र के अंदर पिछले 2 सालों से कोई भी जो जो नवोन्मेष है जो नवाचार है वो नहीं हुआ है। चीजें बेहतर हुई हैं लेकिन नवोन्मेष इस सेक्टर के अंदर नहीं हुआ है, और अब अंततः समय आ चुका है कि स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से जो है हम लोग इस क्षेत्र को बदल दें। तो मेरा जो मूल प्रश्न है कि आप में से कितने लोगों को पता था कि आप जो है इन खबरों के सोर्स को आप पता लगा सकते हैं, आप जो है मूल सोर्स के ऊपर जा सकते हैं और वहां से आप हैं आप उस वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं जहां पर ये जो है वो ये खबर प्रकाशित हुई थी। तो हमारे पोर्टल से यूएसटी की वेबसाइट और उसके बाद वहां से फोर्ब्स की वेबसाइट पर जा सकते हैं। तो क्या आप लोग सभी जानते थे कि ऐसा किया जा सकता है? और सतीश कह रहे हैं कि जी हाँ ऐसा, ये अच्छी बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इसका मतलब ये है कि इसका मतलब कि वाकई में आप बहुत ही जागरूक निवेशक हैं। और अलेक्जेंडर कह रहे हैं कि जी हाँ हम लोग इसका इस्तेमाल लगातार तरीके से करते हैं। रेखा कहते हैं जी नहीं, क्योंकि मैं इन पर विश्वास करती हूं। और उन्होंने कहा कि जी हाँ मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ और मैं यहाँ पर गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि वो मेरे लिए अनुवाद कर सकें, क्योंकि मैं कुछ शब्दों को तो पहचानता हूँ पर पूरे वाक्यों को नहीं बना पा रहा हूँ अंग्रेजी में। तो एंड्रे कह रहे हैं कि जी हाँ हमें जागरूक होना ही पड़ेगा। मेरिका कह रही है कि मुझे जरूरत नहीं है जांच करने की। तो यहाँ पर प्रश्न आ रहा है कि क्या यूनाइटेड स्टेट से कोई खबर है, तो मैं उसका उत्तर दूंगा। तो हम लोग थोड़ा सा और जानकारी के लिए हम लोग थोड़ा सा और गोता लगाते हैं। एक बहुत बड़ी खबर 2024 की ये भी है कि डॉक्टर यूनिट्स की
सबसे पहले उनको वीजा प्राप्त हुआ ताकि वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में प्रवास कर सके। तो ये वीजा आपको क्या देता है? तो ये जो है यूनिवर्सिटी वेबसाइट के ऊपर ये प्रकाशित नहीं हुई थी, ये डॉक्टर निस्की की वेबसाइट के ऊपर प्रकाशित हुई थी अगर मुझे याद है। तो एक क्षण दीजिए और मैं युगेनी आपके प्रश्न को जरूर दोबारा से देखूंगा और मैं वो मूल सोर्स की तलाश कर रहा हूं। शायद ये पब्लिकेशंस में थी, शायद नहीं। मैं भी इसको ढूंढता हूं, एक क्षण दीजिए। या ये यूएसटी वेबसाइट के ऊपर ये खबर थी। मुझे लगता है कि ये शायद उनकी व्यक्तिगत वेबसाइट के ऊपर थी, डॉक्टर निस्की के। एक क्षण दीजिए। शायद मुझे मिल गई है। और जी हाँ, ये डॉक्टर निस्की इंजीनियर वेबसाइट के ऊपर है। और आपको ब्लॉग के अनुभाग में ये प्राप्त होगी और ये ब्लॉग सेक्शन के अंदर है, डॉक्टर यूनिस्की डॉट इंजीनियरिंग वेबसाइट के ऊपर है। और ये बताती है कि जी हाँ, ये मुझे मिल गई और डेनिस ने मेरी मदद की है, उन्होंने ये लिंक दिया क्योंकि मुझे याद है कि ये जो जानकारी जो थी वो यूएसटी वेबसाइट के ऊपर नहीं, डॉक्टर यूनिस्की की व्यक्तिगत वेबसाइट के ऊपर थी। और ये बहुत ही अच्छी खबर भी है कि आप लोग इसको समझ सकें क्योंकि ये इस ग्रीष्म ऋतु में ही हुआ और जो इवेंट है और डॉक्टर यूनिस्की जो है उन्होंने जो है और बिजनेस ट्रिप लगाया है, उनका जो वीजा है जो जो लग चुका है, इस प्रकार वो जो जो अमेरिकन महाद्वीप के अंदर जो है जो कि उनको प्राप्त वीजा प्राप्त हुआ है और ये वैज्ञानिकों को और इंजीनियरिंगों को इंजीनियरिंग के लोगों को मिलता है और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो लोग ओवन वीजा के लिए जो जो तो उनको जो है बहुत सही उनको इन सभी चीजों की ध्यान रखना पड़ता है और कुछ यहाँ पर जो जो तो यहाँ पर वो मापदंडों की बात कर रहे हैं जो कि होते हैं अपने उद्योग के विकास में मूल पेशेवर योगदान का प्रमाण, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मान प्राप्त करना, विशेषज्ञ क्षेत्र में वैज्ञानिक लेखों या अन्य प्रमुख प्रकाशकों के लेखन होने का प्रमाण, ट्रेड यूनियनों और संघों में सदस्यता, पेशेवर या प्रमुख मीडिया आउटलेट में उम्मीदवार के बारे में जानकारी जो है वो प्रकाशित हो। तो दोस्तों, ये वाकई में बहुत ही अच्छी खबर थी और इसने वाकई में मुझे जो है आश्चर्यचकित कर दिया। वो इसलिए क्योंकि जो वीजा जो कि आप ये हैं वो ये बहुत ही विशिष्ट वीजा है, ये वीजा जो है किसी सामान्य व्यक्ति को नहीं जारी किया जाता, ये केवल उन्हीं व्यक्तियों को जारी किया जाता है जिन्होंने अपने क्षेत्रों के वैज्ञानिक के क्षेत्र में इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बड़े बड़े चीजें जो है वो प्राप्त की हैं, उपलब्धियां प्राप्त की हैं और उनको ये वीजा प्राप्त हुआ है।
तो उन्होंने ये जो जो मापदंड था बहुत पहले ही पूरा कर लिया था, और डॉक्टर यूनिच्की को जो है जो यूएसएसआर के दौरान भी जो है वो ये सारे के सारे मापदंड उन्होंने पूरे कर लिए थे, और निश्चित तौर पर वो सारे के सारे मापदंडों को वो पूरा करते हैं, और उन्होंने अपना एक सेटअप भी बनाया, उसका भी निर्माण किया, जहां पर उन्होंने कहा कि 79 में उन्होंने जो है रॉकेट मुक्त अंतरिक्ष की यात्रा की बात की, और डॉक्टर यूनिस्की जो थे वो वहां पर उन्होंने एक बहुत बड़े वैज्ञानिक समुदाय के सामने और उसके अंदर जो है जो 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 अंतरिक्ष के जो यात्री हैं उनके सामने भी, जैसे कि वोक हैं उनके सामने जो है अपने लेख को प्रकाशित किया, उसके चर्चा की, और डॉक्टर यूनिस्की जो है उन्होंने वो पूरा का पूरा मापदंड पूरा कर लिया था, जो कि इस प्रकार के वीजा उनको प्रदान करवाने में मदद करता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक और जो समय एक और बार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने जो है पूरे तरीके से इस चीज को मान्यता दी है कि डॉक्टर यूनिट्स के उनकी टीम क्या क्या कर रही है, और वाकई में ये केवल और केवल या ये चीज भी बताता है कि जो 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 उनके उत्पाद हैं वो वाकई में पूरे विश्व में मांग पर हैं, उनकी मांग बढ़ रही है, और अब डॉक्टर यूनिस्की जो है वो अलग अलग देशों में अलग अलग शहरों में एक बड़े पैमाने पर जो जो है वो इन परियोजनाओं को कार्यान्वित करेंगी, खास करके यात्री और कार्गो परिवहन के क्षेत्र में। और जब मैं कहता हूं कि इन इन लोगों की इन इन इस प्रौद्योगिकी की मांग है, तो ये सही चीज नहीं है, क्योंकि बहुत शताब्दियों से जो है इंसान जो है यातायात के क्षेत्र के अंदर वो ऐसे नवोन्मेष समाधान ढूंढ रहा है, और यदि डॉक्टर यूनिस की यूनाइटेड स्टेट्स जाते हैं तो वाकई में जो हाई स्पीड कॉम्प्लेक्स है वो जहां जहां पर जो रोलिंग स्टॉक है वो 500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर गति पर उनका परीक्षण किया जाएगा, तो बहुत बड़ी संभावना है कि ये जो परियोजना है ये यूएस के अंदर जो है इसको कार्यान्वित किया जाएगा, और जो प्रौद्योगिकी है जो उसका प्रचार जो है वो उत्तरी अमेरिका में किया जाएगा। मुझे लगता है कि इसके बारे में हम केवल 2014-15 में केवल सपना ही देख सकते थे, और देखा जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो 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 आपके सपने हैं वो भी पूरे होते हैं, या यूं कह लीजिए कि उद्देश्य जो है वो पूरे होते हैं। डॉक्टर यूनिस की जो थे वो सपने नहीं देख रहे थे, उनका उद्देश्य था वो जो पूरा हो रहा है, केवल समय जो है जो समय था और वो समय का इंतजार कर रहे थे, और अब हम लोग 10 साल जो है इस प्रौद्योगिकी की मिलकर मदद कर रहे हैं, और ये प्रौद्योगिकी ये टेक्नोलॉजी जो है वो जीवांत हो चुकी है। क्राउड फंडिंग ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है कि 2024 में जो हम लोगों को नतीजे प्राप्त हो रहे हैं वो संभव हो सके। तो डॉक्टर यूनिस्की जो है वो अपने निवेशकों का दिल से आभारी होंगे जिन्होंने अपने अपने इन परियोजना के लिए वो निवेशकों के निवेशक जो थे उन्होंने उनकी मदद की, उनका उनका समर्थन किया। और अब जो है हम वाकई में जो है डॉक्टर यूनिस की थोड़ी गहरी सांस ले सकते हैं, और वो अपनी परियोजना के को कार्यान्वित करने में जो अब जो है वो कार्यान्वित जो है वो संभव हो पाएगा, और मैं तो यही सोचता हूं कि अपने जीवन का 2014 में सबसे सही निर्णय जो मैंने अपने जीवन में लिया था वो ये था
इस टेक्नोलॉजी का समर्थन करके इसके साथ जुड़ना है, इसका प्रचार करना है और इसके इसके पैमाने को बढ़ाना है, स्केल अप करना है। और जो जानकारी हम लोगों ने साझा की है, और मुझे नहीं, मैंने अपने आप से ये प्रश्न भी पूछा था उस समय कि मुझे कैसा महसूस होगा अगर मैं इस अवसर को छोड़ दूंगा और उसके बाद केवल और केवल मैं दूर से इस कंपनी को बढ़ता हुआ देखूंगा। तो दो विकल्प थे कि ये जानना कि ये जो प्रौद्योगिकी इस समय जो है वो केवल और केवल इसका जन्म हो रहा है और ये 2014 की जनवरी और फरवरी की बात है, और मुझे ये जरूर पता था कि मैं वो जोखिम तो बिल्कुल लेना नहीं चाहता था कि मैं एक साइट पर होकर इस प्रौद्योगिकी को बढ़ता हुआ देखूं। हो सकता है कि ये स्कैम भी हो, जैसे कि बहुत सारे लोग डरते थे, मैं भी डरता था, लेकिन डॉक्टर यूनिस्की के जो आत्मकथा है, उनका जो कार्य है, जो कि उनकी वेबसाइट के ऊपर जो प्रकाशित होते हैं, और जो जानकारी उस समय जो मुझे प्राप्त हुई वो पर्याप्त थी कि मुझे इस डॉक्टर इंसी के ऊपर विश्वास करने के लिए पर्याप्त थी। और मुझे ये भी विश्वास हो गया कि ये टेक्नोलॉजी जो है आगे बढ़कर जो है वो आगे विकसित ही होगी। और अब भी मैं यही सोचता हूं कि अगर मैं दूर से इस कंपनी को बढ़ते हुए देखता मैं, और ये पूरी की पूरी जो प्रौद्योगिकी जो है वो उसका कार्यान्वयन हो जाता, तो शायद मैं आज भी अपने जो जो मैं अपने बाल खींच रहा होता, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा मौका, एक बहुत बड़ा अवसर मैंने अपने जीवन का खो दिया होता। और फिर एक प्रश्न ये भी था कि अगर मैं इस प्रौद्योगिकी के साथ जुड़ता हूं और कुछ मिलता नहीं, तब क्या होता? तो मैं यही सोचता कि कम से कम मैंने कोशिश तो की, और अब 10.5 साल हो चुके हैं उस क्षण से, उस समय से, और मैं पूरे के पूरे विश्वास के साथ मैं आपको कह सकता हूं कि दोस्तों, आप सभी ने, प्रत्येक ने बहुत सही निर्णय लिया जब आप इस प्रौद्योगिकी को समर्थन करना चाह रहे थे। और जो इस समय 2014 में जितनी भी अपेक्षाएं थी या 2018 में भी जितनी अपेक्षाएं थी, उन सभी को पूरा किया है। 2018 में कंपनी ने पहला कदम उठाया था, जो कि यूएई में कंपनी जो है वो उन्होंने वहां वहां पर अपनी पहुंच बनाई, और वेबसाइट है वहां पर यूज़ कराए ट्रांसपोर्ट, ये वेबसाइट जो है वो दर्शाती है कि स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज किस प्रकार यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में विकसित हो रही है। और एक खबर वहां पर जो है प्रकाशित हुई कि हर हफ्ते जो है बड़े बड़े मंत्रिमंडल आते हैं, जो अफसर गण होते हैं, जो कि दिलचस्पी दिखाते हैं और स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज को अलग अलग क्षेत्रों में उसका कार्यान्वयन करना चाहते हैं, जैसे एशिया में हांगकांग, भारत, यूरोप के देशों में यूरोपियन मंत्रिमंडल आते हैं, और हम लोग केवल और केवल यहाँ पर बातचीत नहीं कर रहे हैं, जो समूह है जो कि मध्यवर्गीय प्रबंधन यानी मैनेजमेंट्स का होता है, मिड मैनेजमेंट का होता है, बल्कि हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं सीईओस का, उन शेख जो है जो कि एमिरेट्स में आकर टेस्टिंग ग्राउंड्स में आते हैं और शारजा के शेख वहां पर पहुंचते हैं। तो दोस्तों, ये मुझे लगता है कि जो हमारी अपेक्षाएं थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो जो रिकग्निशन प्राप्त करने की, उससे कहीं ज्यादा हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने अनुमान लगाया था कि बिजली चली जाएगी, और वो बिजली चली गई है और मैं वापस अब ऑनलाइन आ चुका हूं, तो एक बार मुझे उम्मीद है कि आप फिर से मुझे ठीक प्रकार से सुन पा रहे हैं। मुझे 10 नंबर देकर मुझे इसकी पुष्टि कीजिए, धन्यवाद। तो 1 2 3 ध्वनि की जांच, जी हाँ, आप मुझे बता पा रहे हैं, वेरी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए एक बार संक्षेप में देखते हैं कि जो मैं बात कर रहा था कि जो ग्रीष्म था 2024 का, वो वाकई में
उपलब्धियों का सीजन रहा है और कंपनी जो है वो विकास के नए नई सीमा को छू रही है। और एक और तथ्य जो मैं यहाँ पर दबाव देकर कहना चाहता हूं, मैं अपनी स्क्रीन हमें आपके साथ फिर से साझा करता हूं, कि 2024 के ग्रीष्म में जो जो वित्तीय रिपोर्ट्स थी वो पब्लिश हुई और ये बताती हैं, दर्शाती हैं कि कंपनी जो है वो उन्होंने ब्रेक इवन प्राप्त कर लिया है, यानी कि और ये खबर जो है जुलाई में आई, जहां पर उन्होंने बताया, उसमें बताया गया है कि डॉक्टर यूनिस की ऑडिट की कंपनियों की ऑडिटिंग हुई है और आपको ये जानने की आवश्यकता है कि जो फिनेंशियल ऑडिट होता है, ये जो लेखपालन है ये 6 महीने के अंदर होता है, और तो 2023 जब खत्म हुआ तो अगले 6 महीने के अंदर, 2024 के अगले 6 महीनों के अंदर ये ऑडिट प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जानी चाहिए। और ये जो ऑडिट है, ये ऑडिट जो है लाइसेंस कंपनी द्वारा किया जाता है, और इंजीनियरिंग कंपनी यूएसटी जो है उसने ऑडिट को पारित किया। और एक जो बेलारूस की एक जो शिरोमणि ऑडिटिंग कंपनी है, उन्होंने नतीजे जो है वो प्रकाशित किए, और आप वहां पर जा सकते हैं, देख सकते हैं, पूरी की पूरी वित्तीय रिपोर्टिंग जो है वो वहां पर मौजूद है, और जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं जो वो भी वहां पर आपको दिखाई दे जाएंगे। तो ये सारी चीजें हम लोगों को दर्शाती हैं कि किस पारदर्शिता के साथ ये कंपनी आगे बढ़ रही है, किस खुले रवैये से ये कंपनी आगे बढ़ रही है, और ये कंपनी जो है ये नहीं छुपा रही कि ये अपना व्यवसाय किस प्रकार करती है। और हम लोग यहाँ पर इस समय वित्तीय प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, और मुझे हिसाब से ये एक शायद ये कह सकते हैं कि हम लोग अब जो कंपनी जो है, जो कि एक वित्तीय ऑडिट जो है उस कंपनी के साथ होना है, तो इसका मतलब यह है कि ये कंपनी जो है खुले तरीके से अपने सभी कार्य संचालन करती है। और ये कंपनी हर साल लगातार, जब से ये कंपनी बनी है तब से इसका ऑडिट हर साल हो रहा है। तो आज के जो मुख्य बिंदु हम लोगों ने जो जो चर्चा की है, तो उपलब्धियां और नतीजे, तो हम लोग सुनिश्चित हो सकते हैं कि हम लोग सही सही पथ पर हैं, सही राह पर हैं, और हम लोगों ने जिस प्रकार इस परियोजना का समर्थन किया, ये वाकई में जो है इस उद्योग के लिए एक नई राह जो बनाने वाला है। तो स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी जो है वो बढ़ रही है, और प्रोजेक्ट है वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स जो है अलग अलग देशों में जो बना रही है। तो एक प्रश्न का उत्तर मैंने देना था, जिसके लिए मैंने वायदा भी किया था यूनाइटेड स्टेट्स को लेकर। तो यूनाइटेड स्टेट्स का जो कार्य है वो किया जा रहा है, और जो कार्य जो इस समय चालू है यूएसए के अंदर, कि सही प्रकार से ढांचा बनाया जाए, सही प्रकार से वित्तीय प्रक्रियाएं बनाई जाए, दोनों इंजीनियरिंग कंपनी की और साथ ही साथ वित्तीय कंपनियों की भी, उस कंपनी के लिए फंड रेजिंग की भी जो है वो प्रक्रिया चालू है। तो डॉक्टर यूनिट्स की जो जो जब वो यूएसए जब गए, तो वो वाकई में इसी वजह से गए थे कि वो ऐसे पार्टनर्स की खोज कर रहे थे जिनके साथ वो इस व्यवसाय को चला सकें। और साथ ही साथ जो भूमि की खोज भी की जा रही है, और अपने इंटरव्यू में डॉक्टर यूनिस्की ने बताया था, और उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर ये प्रकाशित हुआ। आप यदि आपने इसको अभी तक नहीं देखा है तो आप जरूर इसको देखिए। मैं आपको बता देता हूं कि ये कहाँ पर मिल जाएगा आपको। तो सबसे हाल ही का जो वीडियो है
जहां पर यू स्काई टेक के डायरेक्टर के साथ, निदेशक के साथ 20 मिनट डॉक्टर युनिस्की ने जो है बातचीत की है, जिसमें वो मुख्य बिंदु के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर कार्य संचालन जो है वो प्रक्रिया को वो आगे बढ़ाएंगे, और ये सक्रिय रूप से इस कार्य किया जा रहा है, ये प्रक्रिया जो है सुचारू रूप से आगे बढ़ रही है। तो मैं यही कह सकता हूं कि आने वाले समय में बड़े बड़े और बड़े पैमाने पर बदलाव आने वाले हैं स्विंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज को लेकर, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की भूमि पर ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की भूमि पर भी। तो ये ग्रीष्मकाल अब खत्म हो रहा है दोस्तों, और हम लोगों ने जो है पूरा मार्केटिंग प्लान जो है उसको विकसित किया है, विपणन योजना को विकसित किया है, डिजाइन विकसित किया है, और सितंबर के महीने में मैं आप लोगों को प्रस्तुतिकरण करने वाला हूं। जो आधुनिक विपणन प्रोग्राम है, मार्केटिंग प्लान जो है, जो योजना है, वो मैं आपके साथ साझा करूंगा अपडेटेड प्लेटफॉर्म के ऊपर, नए प्लेटफॉर्म के ऊपर, ताकि हम में से प्रत्येक इस चीज को देख सके कि आप जो है किस जगह पर हैं इस प्लेटफॉर्म में, आपकी स्थिति क्या है, और क्या आप एक सक्रिय यानी कि एक्टिव एजेंट है जो कि अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाएगा, और धीरे धीरे ये हमारा व्यवसाय जो है वो एक कॉर्पोरेट में भी बहुत शीघ्र तब्दील हो जाएगा। और मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले समय के अंदर अगले साल में हम लोग जो है RSW प्लेटफॉर्म से जो है micron.global के प्लेटफॉर्म पर हम लोग जो है स्थानांतरित हो जाएंगे, और हम लोग कार्य जो है अपग्रेडेड वेबसाइट के ऊपर भी कर रहे हैं। तो एक नई वेबसाइट होगी, नया एक बैक ऑफिस होगा जो कि बहुत ही अद्यतित इंजिन्स के ऊपर काम करेगा, बहुत सारी विशेषताएं इस वेबसाइट्स के ऊपर होंगी, आप अपने व्यक्तिगत मैट्रिक्स को देख पाएंगे, आपकी टीम के प्रदर्शन को देख पाएंगे, आप अपने कार्य को देख पाएंगे, आपके अपने पार्टनर्स के कार्यों को देख पाएंगे, अपने टीम के कार्यों को देख पाएंगे। तो ये एक नया फॉर्मेट होगा, एक नया प्रारूप होगा, और अगर आप ये कहें तो ये कार्य संचालन इसी प्रकार से होगा, और साथ ही साथ ये जो है व्यवहारिक एप्लीकेशन भी आपको देगा। तो दोस्तों, हम लोग जो है आने वाले समय में अपडेटेड प्लेटफॉर्म के ऊपर हस्तांतरण करेंगे, तो सितंबर हमारे लिए जो है वो हम लोग तैयारी करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हम संक्रमण करेंगे, हस्तांतरण करेंगे नए प्लेटफॉर्म के ऊपर, और हम लोग बहुत सारी प्रमोशंस आपके लिए लेकर आएंगे, जिसका केवल और केवल उद्देश्य यही होगा कि हम लोग एक कोर टीम बनाएं अपने माइक्रोन ग्लोबल प्लेटफॉर्म की। और मैंने जैसा आपको बताया कि हम लोग अलग अलग भाषाओं में अपने स्पीकर्स को भी बढ़ाएंगे, तो एक प्रतिस्पर्धा जो है हम लोग अपने अपने दर्शकों के बीच में करेंगे, और आप सभी में से प्रत्येक के पास एक मौका होगा कि आप जो है एक मीडिया टीम के सदस्य बन सकते हैं नए अपडेटेड प्लेटफॉर्म के। हम लोग एक सितंबर में एक बहुत बड़ी बैठक करेंगे जो कि संभवतः दूसरे हिस्से में होगी सितंबर के, और आप जो है आप अपनी नजर जो है वो खबरों पर रखें, उन खबरों में आपको जरूर जानकारी प्राप्त होगी, और बहुत जल्दी आपको जानकारी प्राप्त होगी कि किस प्रकार से हम अपना हस्तांतरण नए वेबसाइट के ऊपर कर रहे हैं। और जो प्रमोशन है जो इस समर इस ग्रीष्म काल के ऊपर, तो मैंने जैसे कि आपको अपने प्लेटफॉर्म के बारे में बताया, तो प्रमोशन जो है वो ये दर्शाती है कि हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे पास जो है वो निवेशक जो हम हमें जो है जो हम लोगों का समर्थन जो है बहुत सालों से कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य जो कि स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी का समर्थन कर रही है बहुत सालों से। पर अब हमारा जो है एक पार्टनरशिप नेटवर्क जो कि हफ्ते दर हफ्ते बढ़ रहा है, और उसका उद्देश्य क्या है, और वो इसलिए भी है
कि हम लोग जो है हमारा जो मार्केटिंग प्लान है वो बहुत सशक्त नहीं है, क्योंकि आप विस्तार जो है आपको पास जो है कोई प्रोत्साहन नहीं है कि आप अपनी टीम को बड़े स्तर पर उसको बेला सकें फैला सकें, और इसीलिए हम लोग माइक्रोन ग्लोबल प्लेटफॉर्म की तरफ जो है अपना कदम बढ़ाया है। इस नए प्लेटफॉर्म के ऊपर हम और एक नया कंपनसेशन प्लान जो है, एक नया विपणन योजना जो है वो आपको आपके लिए हम लेकर आएंगे, और ये काफी दिलचस्प होगा कि आप अपनी संरचना की सभी गहराइयों से आप जो है आप आय कमाएंगे। तो ये कारण तो मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि जो हमारी समर प्रमोशन है जो कि हम लोग जो चला रहे हैं, और जो इस समय जो मौजूदा प्रमोशन चल रही है जो कि अब लगभग समाप्त हो रही है, तो मैं देख पा रहा हूं जो अपने सांख्यिकी से डेटा से कि उन्होंने जो हमारे पुराने जो जो निवेशक हैं उन्होंने अपने पोर्टफोलियो का विकास किया है, विस्तार किया है इन प्रमोशंस के माध्यम से। तो ये कह सकते हैं कि अगर आप मुझे ये कहें कि हम लोग जो है अपने जो प्रौद्योगिकी है जो टेक्नोलॉजी हम उसके भक्त हैं और उस भक्ति के चलते हम लोगों ने ऐसा किया है, तो हम ये चाहते हैं कि हम लोगों को और सक्रिय होने की जरूरी है ताकि हम पूरे विश्व में इस प्रौद्योगिकी को फैला सकें और जितना ज्यादा हो सके लोगों को अपने साथ जोड़ें। और ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आने वाले समय में बहुत बड़ी बड़ी परियोजनाओं का कार्यान्वयन होने वाला है, जैसे हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन का, और हमारे सामने जो है बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जहां पर हमें इस प्रौद्योगिकी को बरकरार रखना है, और जो वैज्ञानिक नवाचार जो प्रक्रिया है हम लोगों को उसको अपग्रेड करते रहना है, हम लोगों को उसको और बेहतर बनाने की आवश्यकता है। और ये जो स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी जो है वो क्राउड फंडिंग द्वारा उसकी फंडिंग की गई है और इसने ब्रेक इवन प्राप्त कर लिया है, लेकिन जो कंपनी है वो जो है वो बरकरार रख सकती है, अपने लोगों को बरकरार रख सकती है, अपने कर्मचारियों को बरकरार रख सकती है, परंतु यदि हम लोगों को और ज्यादा हम लोगों को विकसित होना है, उन सभी मॉडल्स को अपनाना है जो डॉक्टर यूनिस्की ने बनाए हैं, तो इसीलिए इसको इस इन मॉडल्स को विकसित करने की लगातार तरीके से विकसित करने की आवश्यकता है। और जब जब पूरी के पूरे समग्र प्रौद्योगिकी की फंडिंग हम पूरी कर लेंगे तो हम लोग जो है कमर्शियल परियोजनाओं के साथ कार्य करेंगे। आप सोचिए, कल्पना कीजिए 2027 2028 में जब आपको पहले लाभांश प्राप्त होंगे और जो हमारी परिसंपत्ति है स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में मूल्य में विकसित होगी बढ़ेगी, और ये मेरा मेरी गहरी सोच है विश्वास है कि ये ऐसा ही होगा, और जब ऐसा होगा तो उस समय वैश्विक समुदाय जो है वो कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया जो करेगा। तो जो लोग इस मौके का फायदा नहीं उठा पाए हैं और वो जब वो देखेंगे कि जो भी चीजें बोली गई थी वो कर दी गई हैं, और साथ ही साथ जो कंपनी जो है वो और आगे चलकर सुदृढ़ होती जाएगी, तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि जो विश्वास है इस प्रौद्योगिकी के ऊपर वो बढ़ता जाएगा, और अलग अलग देशों के अंदर हम लोग जो है क्राउड फंडिंग के माध्यम से अलग अलग देशों के अंदर हम परियोजनाओं को का वित्त पोषण करेंगे, तो क्या उस समय लोगों के दिल में कोई संदेह होगा? मुझे नहीं लगता। अब आप सोचिए कि अगर आप एक डेवलपर है जो कि एक बहुत बड़े आवास के क्षेत्र को विकसित करता है, वो 10 सालों से कर रहे हैं, तो वो सबसे पहला उन्होंने जो सबसे पहले 12 जो है उन्होंने घर बनाए, और उसी भूमि के ऊपर जो हर साल वो कुछ ना कुछ मकान बनाते गए, और 10वें साल में जो है लोगों के दिमाग में कोई संदेह नहीं होगा कि नई कंस्ट्रक्शन में क्या उनको निवेश करना चाहिए कि नहीं। हम लोग ये तुलना कर रहे हैं, और अगर ऐसा हो जाता है जैसे कि रियल एस्टेट के अंदर अगर अगर उछाल आ जाता है और
सब जो है रुझान काफी ज्यादा सकारात्मक होगा, उसी प्रकार हमारी टेक्नोलॉजी के साथ भी एक सकारात्मक रुझान आने की बहुत बड़ी आशंका है। अगर हम लोग ये कहते हैं कि स्विंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी वो अपना जो पूंजीकरण है वो शुरू करना और जो मुनाफा जो है वो अपने निवेशकों में जो है वो लाभांश जो देगा, तो आप चाहेंगे कि लाभांश का पैसा जो है वो आप परियोजनाओं में वापस डालना चाहेंगे या पुनः निवेश करना चाहेंगे हाई स्पीड टेक्नोलॉजी के अंदर? तो ये हमारा समुदाय है। लेकिन जो लोग जिन्होंने कभी भी इस मौके का फायदा नहीं उठाया, तो उनके लिए वाकई में ये एक सोने की खान की तरह होगा। जब हम लोग कमर्शियल परियोजनाओं की फंडिंग शुरू करेंगे, और मैं यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये हमारे लिए आसान होगा कि हम लोग जो है जो जो कमर्शियल परियोजनाओं के साथ हम लोग काम करें, और कमर्शियल परियोजनाएं जो है कोई नवोन्मेष नहीं है या ये कोई प्रमाणीकरण की बात यहाँ अब नहीं हो रही है, ये सारी की सारी चीजें जो है वो हो चुकी हैं और अब उनका उनका जो उनको उनका उनको अब और एक बड़े स्तर के ऊपर उसको करना है उसके, और हर एक देश के अंदर जहां पर हम लोग जाना चाह रहे हैं उनके उस देश के अनुसार प्रमाणीकरण प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। हम लोगों ने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था जब पहला दिन था, और जी हाँ बिल्कुल ये सारी की सारी चीजें होंगी, चुनौतियां आएंगी, पर हम लोग इससे डर नहीं रहे हैं और हमारे सामने बड़े बड़े कार्य करने वाले हैं। और जो लोग इस चीज पर विश्वास करते हैं, नतीजों पर विश्वास करते हैं, जैसे कि अलेक्जेंडर कह रहे हैं कि हर कोई व्यक्ति जो है वो उनको ये नहीं पता होगा कि उन्होंने किस चीज में निवेश किया है और वो और हमारी गतिविधियां जो है वो किस आकार तक जाएंगी। तो यही यही मैंने उद्देश्य अपने सामने जो है वो निर्धारित किया था, और जब एक बार माइक्रोन ग्लोबल प्लेटफॉर्म जब शुभारंभ हो जाएगा उसका उसको लॉन्च कर दिया जाएगा, तो हमारे पास जो शिक्षा कार्यक्रम होंगे वो बिल्कुल मुफ्त होंगे ताकि लोग जो हैं वो इस स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी को बेहतर तरीके से समझ सकें, फायदों को समझ सकें, और हम जो है क्राउड फंडिंग से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनके ऊपर हम लोग कार्य करेंगे और बहुत करीब से इनको देखेंगे। हम देखेंगे कि किस प्रकार से बिक्री करनी चाहिए इस अवसर को, इस जानकारी को, क्योंकि अंत में हम लोग अपनी इस जानकारी को ही केवल बेच रहे हैं और वो मौका लोगों तक लेकर जा रहे हैं जो उनके सम्मुख है। और ये सारी की सारी चीजें माइक्रोन ग्लोबल के नए पोर्टल के ऊपर होगा और ये प्रशिक्षण आपको मुहैया कराया जाएगा, और जो लोग जो है लक्ष्य बनाएंगे इस लक्ष्य बनाएंगे कि वो कंपनी के साथ एक करियर बनाना चाहते हैं, तो ये उनको वाकई में जो इन इन परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना ही होगा, पास करना ही होगा, और वाकई में ये गर्व की बात होगी कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे, स्विंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ेंगे। केवल और केवल आप अपना करियर ही नहीं विकसित करेंगे बल्कि आप अपने कार्य के लिए बहुत ज्यादा पैसे भी कमाएंगे जो कि कानूनी दायरे के अंदर है, ईमानदारी का पैसा होगा, और बहुत बहुत ज्यादा सकारात्मक रूप से आपको प्रभावित करेगा। तो यहाँ पर इससे पहले कि हम लोग हम माइक्रोन ग्लोबल प्लेटफॉर्म की तरफ हस्तांतरण हो, तो इससे ज्यादा कोई और प्रमोशन नहीं होगी और हमारे पास ऐसा कोई डिस्काउंट नहीं होगा, और इस समय जो डिस्काउंट है वो डिस्काउंट 77 भी है, जो कि मुझे लगता है कि वाकई में एक एक बहुत बड़ा डिस्काउंट भी है, और मैं चाहूंगा कि आप इस अवसर को अपने हाथ से ना जाने दें, क्योंकि अब
जो है कुछ दिन ही बचे हैं ताकि आप इन डिस्काउंट्स का फायदा उठा सकें। तो देखते हैं कि ये किस प्रकार दिखाई देते हैं और इनका क्या फायदा है। तो ये जो है आप मौजूदा डिस्काउंट्स हैं, और ये अभी जो डिस्काउंट्स हैं ये 31 अगस्त यानी 31 अगस्त तक ये चालू रहेंगे, और ये आपके पास ये हमारे भावी क्लाइंट्स को भी मौका देते हैं कि किस प्रकार वो 1,000, 2,500 और 5,000 डॉलर तक का निवेश कर सकते हैं, और उनको डिस्काउंट प्राप्त हो सकता है 60 से लेकर 77% तक का। और यदि वो कोई पैकेज खरीदते हैं तो उनको 10% डिस्काउंट मिलता है। तो यहाँ पर इसको 66%, फिर 71.7% और 77% है, जो कि दुगना है जो इस समय जो जो बाजार में जो हम लोग मार्केट डिस्काउंट लेकर आए हैं। तो आप देखेंगे कि आपको तुलना यदि आप करते हैं तो आप देखेंगे कि जो डिस्काउंट इस समय प्राप्त हो रहा है वो लगभग दुगना है, और ये एक बहुत बढ़िया मौका है कि किस प्रकार से आप अपने निवेश की कैपिटल को बढ़ा सकते हैं, और आप पैकेजेस को की समीक्षा भी कर सकते हैं। और आप जो है 31 अगस्त तक इस प्रमोशन का फायदा उठा सकते हैं। अपने अपनी संपर्क सूची के साथ आप कार्य करें, उनके साथ सक्रिय रूप से कार्य करें, और यदि लोग जो हैं आपकी बात नहीं मानते हैं तो आप प्रस्तुतिकरण को जो जो YouTube चैनल जो है उसकी जानकारी दें। आप प्रस्तुतिकरण को साझा करें, जो आपको लगता है कि ये प्रस्तुतिकरण सबसे बढ़िया है तो इसको आप लोगों के साथ साझा करें। और मैं चाहूंगा कि आप जो है अपने डॉक्टर यूनिस्की की जो जो मूवी है फॉलोइंग योर स्टार्स, उसको जरूर देखें और उनको साथ शुरू करें। और यहाँ पर अभी आपको यूट्यूब एडवर्टीजमेंट दिखाई दे रही है, तो शायद मैं मुझे इनकॉग्निटो मोड के अंदर काम नहीं करना चाहिए, बल्कि मुझे अपने सामान्य मोड के अंदर काम करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास YouTube प्रीमियम की भी सदस्यता है और इसीलिए मुझे एड्स दिखाई नहीं देती। तो ये फॉलोइंग योर स्टार्स जो है, ये जो फिल्म है, ये उस सफर के बारे में बताती है। डॉक्टर यूनिस्की ने पूरे जीवन में जो उनका सफर है उसके बारे में बताती है, और वो आज जो नतीजे प्राप्त कर रहे हैं वो कैसे यहाँ तक पहुंचे हैं। तो लोग समझ पाएंगे कि जो चीज विश्व में पहले कभी थी नहीं, और वो अब जो है आप उसको उसको आप जीवांत कर रहे हैं। एक ऐसी 1,000 लोगों की इंजीनियरिंग टीम को आप लेकर आए हैं, और ये चीजें जो है वो अब सुचारू रूप से कार्यान्वित हो रही हैं, उनकी मांग भी है, और यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक पंक्ति जो है वो कस्टमर्स की, ग्राहकों की लगी हुई है इस प्रौद्योगिकी को लेकर। तो इस मूवी को आप जरूर दिखाएं लोगों को, और ये USA कंपनी की मूवी है, और प्रौद्योगिकी की प्रस्तुतिकरण जो है वो रूसी भाषा में भी है, अंग्रेजी भाषा में भी है। तो आप अपने समय का सदुपयोग करें, और जितने ज्यादा लोग हो वो आपकी टीम के साथ जुड़े, क्योंकि क्योंकि आपके भविष्य को ये निश्चित करेगा। जब आप विकसित करेंगे माइक्रोन ग्लोबल प्लेटफॉर्म के ऊपर कार्य करेंगे और अपनी परियोजना का को जो है वो अपना उसका स्तर ऊपर उठाएंगे, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा इस। और इस शनिवार को हम लोग एक और प्रस्तुतिकरण करेंगे हमारे प्लेटफॉर्म का, RSW सिस्टम्स का और स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी का। और इस शनिवार को आप लोगों के साथ और उन लोगों के साथ जिनको आप निमंत्रण देंगे, तो आप देख पाएंगे कि क्या फायदे हैं इस निवेश के मौके का जो कि हमारे पास है। और ये परिवहन क्षेत्र में स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज क्या क्या लेकर आ रहा है, और किस प्रकार से क्राउड फंडिंग जो है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सारी चीजें हमारे हाथ में हैं, और जो स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी जो है
वो भी हमारी वो भी हमारी ही मेहनत के ऊपर, जो हमारे हमारी ही मेहनत के ऊपर स्थापित है। और ये जो है इस चीज पे जो है वो निर्भर करेगी कि किस गति से ये प्रौद्योगिकी जो है वो आगे बढ़ेगी, विकसित होगी। लगभग 1.5 घंटा हो गया है, और यदि मैं कुछ भूल गया हूं तो अगले सत्र में हम उसको कवर करेंगे। और आपके जो प्रश्न हैं और जो आपकी टिप्पणियां हैं उसके अनुसार एक बार मैं उनको देखना चाहता हूं, देखेंगे किस प्रकार की टिप्पणियां हमारे पास आई हैं और किस प्रकार के प्रश्न हमारे इस पास आए हैं। मुझे एक क्षण दीजिए। क्या हमारे पास कोई आईडी नंबर है जब हम परियोजना को दूसरे लोगों से साझा करते हैं? आप कह रहे हैं कि आपका रेफरल लिंक? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपका रेफरल लिंक आपके पास होगा। तो ताकि लोग जो हैं वो आपकी टीम का हिस्सा बन सकें, एक रेफरल लिंक जरूर मौजूद है। रेफरल लिंक हमें कहां से प्राप्त होगा? ये आपके बैक ऑफिस में है। और एक क्षण दीजिए, मैं आप अफिलिएट प्रोग्राम में जाएं, जो कि अनुभाग है, और वहां से जो है इस लिंक को कॉपी कीजिए। और ये जो है आप अपने भावी क्लाइंट को, ग्राहक को इसको इसको दीजिए, और इस लिंक के माध्यम से वो आपकी टीम में जुड़ जाएंगे। बस इतना ही। और इसको पार्टनरशिप कार्यक्रम बोला जाता है। एक क्षण दीजिए, एक और प्रश्न है। तो मैं यहाँ पर कुछ प्रश्न लेते हैं और उसके बाद हम लोग खत्म करते हैं। हम लोगों को जो नया निवेश प्लेटफॉर्म है वो हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन का के लिए, वो कब तक आएगा? देखिए, हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन के लिए निवेश प्लेटफॉर्म, ये हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो प्रश्न है ये पूछा गया है। और हम लोग जो हैं वो अभी भी फंडिंग पार्टनर्स होंगे हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन के, और शायद दूसरे और भी जो कंपनियां हैं जो कि इस परियोजना के अंदर धन जुटाएंगी, जिसको हम संस्थागत निवेशक या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहते हैं। बड़े निवेशक इनको हम बोल सकते हैं, जो कि बड़े बड़े वित्तीय संस्थान होते हैं। और क्राउड फंडिंग की अगर हम बात करें तो हम लोग जो हैं स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज के प्रचार के लिए हम लोग जो है क्राउड फंडिंग के सिद्धांत के साथ इस कंपनी के साथ जुड़े रहेंगे। मुझे लगता है कि यही सही तरीका है इस चीज को देखने का। और माइक्रोन ग्लोबल, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, कि वो एक ऐसा ही पार्टनर होगा। और प्रश्न, इसका मैं अनुवाद कर रहा हूं। और क्वेश्चन है कि डिविडेंड्स को लेकर आपने बहुत सारी जानकारी दी है, परंतु क्या आप हमें बता सकते हैं कि जो ये लाभांश है, जो ये डिविडेंड्स है, ये तिमाही रूप से दिए जाएंगे या वार्षिक स्तर पर दिए जाएंगे? ये अभी बहुत जल्दी है इसके बारे में बात करना कि क्या ये तिमाही में दिए जाएंगे या ये वार्षिक रूप से दिए जाएंगे। पर ईमानदारी से कहूं, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बिंदु है। महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि ये प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाती है, और बहुत ही मुश्किल और जटिल
कानूनी पेचीदगियां हैं इस कार्य को लेकर, क्योंकि आपको पूरा का पूरा एक वित्तीय ढांचा और बनाना पड़ेगा। और आप कल्पना कीजिए कि हमारे पास लाखों निवेशक जो हैं वो 100 देशों से ज्यादा से आ रहे हैं, तो इसीलिए हम लोगों को एक ढांचा बनाना होगा, फ्रेमवर्क बनाना होगा, जहां पर ये सुनिश्चित किया जाएगा कि हर एक निवेशक को अपना लाभांश जो है वो सही तरीके से प्राप्त हो रहा है, और वो कम से कम टैक्स जो है वो दे रहे हैं, और कंपनी को सारे के सारे जोखिम उठाने पड़ते हैं, कानूनी जोखिम या वित्तीय जोखिम। और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा कार्य है, और इसीलिए कंपनी ने जो है आने वाले भविष्य में उन्होंने ये बोला है, ये घोषणा की है लाभांश को लेकर, और ये घोषणा 2024 में आई है, जिसका मतलब ये है कि ये चीजें, ये जो प्रक्रिया जो है वो यकीनन तौर पर होगी। परंतु जो महत्वपूर्ण ये है कि पहेली के सारे हिस्से जो है वो मिल रहे हैं, और कंपनी जो है अपनी समय सीमा के अंदर सभी कार्यों को पूरा कर रही है। तो मुझे लगता है कि ये ठीक है, कंपनी इसके ऊपर कार्य कर रही है, और हम लोगों को थोड़ा सा समझ के साथ इसको 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 लेना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि स्पष्ट हो गया होगा। अब ये फर्क नहीं पड़ता कि तिमाही वितरण होता है या छमाही वितरण होता है या वार्षिक स्तर के ऊपर जो लाभांश का वितरण होता है। तो मेरे व्यक्तिगत राय में मुझे लगता है कि जो लाभांश है वो साल में एक बार देना चाहिए, जो वित्तीय वर्ष है उसके अंत में दिया जाना चाहिए, जहां पर कंपनी को कुछ मुनाफा होता है, उन्होंने सारी की सारी गणना कर ली होती है, उसके बाद ऑडिट होता है, और उसके बाद इस चीज को इस ये चीज निश्चित की जाती है कि कितना डिविडेंड जो है, कितना लाभांश जो है वो दिया जाएगा। अब आप सोचिए कि तिमाही यदि आप लाभांश दे रहे हैं तो कंपनी के ऊपर कितना भार बढ़ जाएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, जैसे कि कंपनी के पास पिछले 3 महीने में 5 ऑर्डर्स प्राप्त हुए हैं, चाहे वो फिजिबिलिटी स्टडीज के लिए या डिजाइन के लिए, और कंपनी को जो है वो पहला भुगतान आ रहा है, लेकिन जो उत्पादन है उसके लिए 6, 9, 12, 18 महीने भी लग सकते हैं। ये इस चीज पे निर्भर करता है कि परियोजना कितनी जटिल है। और एक बार जब जब कंपनी को पूर्ण भुगतान हो जाएगा, जब पूरा का पूरा कार्य जो है परियोजना का पूरा हो जाएगा, तो पहले अग्रिम यानी कि एडवांस भुगतान होता है, और उसके बाद जो है उत्पादन होता है, विनिर्माण होता है, और उसके बाद ही कंपनी को पूरा भुगतान प्राप्त होता है। तो हो सकता है कि बहुत सारा समय कंपनी को उसके लिए लगे, तो ये थोड़ा सा मुश्किल होगा कंपनी के लिए कि हर तिमाही कंपनी को जो है वो ये लाभांश दे। एक बार फिर ये मैं बता दूं कि यहाँ पर ये कंपनी की आधिकारिक घोषणा नहीं है, ये मैक्सिम के अपने व्यक्तिगत विचार हैं। तो ये मेरा अनुमान है, क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये सबसे सही तरीका है। यदि कोई ढांचा ऐसा है कि जहां पर लाभांश को आप ज्यादा बार साल में दे सकते हैं तो ठीक है, परंतु विशिष्ट चीजों को समझने की आवश्यकता है कि कंपनी किस प्रकार कार्य करती है, और किस प्रकार से जो ऑर्डर्स हैं वो डिलीवर किए जाते हैं। और तो 3 महीने मुझे लगता है कि ये बहुत ही छोटा समय है, जहां पर आप ये सोचें कि कंपनी आपको लाभांश जो है वो वितरित करेगी। मुझे लगता है कि आप अपेक्षा कर सकते हैं कि आपको वार्षिक लाभांश प्राप्त हो। परंतु एक बार मैं फिर बोल देता हूं कि ये मेरे अपनी जाति राय है और व्यक्तिगत राय है। तो एक आखिरी प्रश्न लेते हैं और रोमांच से लेते हैं, और उसके बाद हम खत्म करते हैं। तो शुभ संध्या, तो क्या फर्क है RSW के भीतर और SWC प्लेटफॉर्म निवेश के लिए? क्योंकि क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर 2 प्लेटफॉर्म्स हैं और हर एक प्लेटफॉर्म अपने लिए कार्य करता है, तो मुझे नहीं पता किस चीज पे विश्वास करें, किस प्रकार से लोगों को बताएं कि ये वाकई में कोई धोखाधड़ी नहीं है। तो चलिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं।
अब एक कंपनी है जो कि गाड़ियां बनाती है, जैसे कि मर्सिडीज, और जो 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 जर्मनी के अंदर प्लांट है जहां पर गाड़ियों का निर्माण किया जाता है, यदि आप रूस में रहते हैं या आप यूएई में रहते हैं या फिर आप यूएस में रहते हैं, तो आपको क्या लगता है जब आप एक मर्सिडीज गाड़ी खरीदेंगे यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, जैसे कि जब आप एक गाड़ी खरीदते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, तो आपको लगता है कि आप एक गाड़ी जो है वो आप आधिकारिक विनिर्माण कंपनी से खरीद रहे हैं या आप किसी और कंपनी से खरीद रहे हैं? जी नहीं, आप जो है आप आधिकारिक कार डीलरशिप से गाड़ी खरीदते हैं, जैसे कि अंतरराष्ट्रीय बीमा कंपनियां हैं, एक अमेरिकन कंपनी है जैसे कि जिसको मेटलाइफ बोला जाता है, जो कि 107 साल पुरानी है, या वियना इंश्योरेंस ग्रुप जो कि एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी है जो 200 साल पुरानी है। तो ये जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, ये अपने उत्पाद, अपनी पॉलिसीज जो है वो पूरे विश्व में बेचती हैं, और जो व्यक्ति उनसे खरीदता है, जैसे कि एक व्यक्ति जो फ्रांस में रहता है वो एक अमेरिकन इंश्योरेंस कंपनी से, मेटलाइफ से वो इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है, तो वो एक स्थानीय ब्रोकर से खरीदारी करता है, और वो इंश्योरेंस जो जो पॉलिसी है वो अमेरिकी कंपनी से खरीदता है। अब कल को यदि ये ब्रोकर जो है, ये जो 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 ब्रोकरेज फर्म जो है वो अपना व्यवसाय बंद करके चली जाती है, आप सोचिए कि उन्होंने अपना व्यवसाय बंद कर दिया है, परंतु तो जो व्यक्ति है उनके पास अभी भी वो बीमा होगा जो उन्होंने ब्रोकर से खरीदे, लेकिन ये पॉलिसी जो है वो जारी की जाएगी मेटलाइफ इंश्योरेंस कंपनी से। तो जो जो कंपनी जो है, जो यदि कोई कोई ऐसी घटना घटती है जहां पर ये इंश्योरेंस, ये बीमा प्राप्त करना होता है, तो ये तो अमेरिकी कंपनी उसका पूरा भुगतान करेगी। तो जैसे कि उसी तरह एक ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी है, एक कंपनी है जिसके पास ये संपदा है, बौद्धिक संपदा है, और आप जो है दो प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से आप निवेश कर सकते हैं, स्काईवर्ल्ड कम्युनिटी और आरएसडब्ल्यू सिस्टम से, और एक तीसरा प्लेटफॉर्म भी था जिसका स्काईवे इन्वेस्टमेंट ग्रुप के नाम से था। तो मैं यहाँ पर ये जो उदाहरण मैंने आपको जो दिया है, तो जैसे कि उस जो बीमा कंपनी का जो उदाहरण मैंने आपको दिया, तो जैसे कि ब्रोकरेज जो थी, फ्रेंच ब्रोकरेज थी, वो बंद हो गई, लेकिन जो मेटलाइफ है वो अपनी पूरी जिम्मेदारी जो है वो पॉलिसी होल्डर के प्रति निभाएगी। तो स्काईवे इन्वेस्ट ग्रुप करके एक प्लेटफॉर्म था, और पिछले जो सारे के सारे जो क्लाइंट्स थे जो कि सहमालिक बने स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के, मार्च 2020 से पहले उन सभी क्लाइंट्स के जो कि स्काईवे इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स स्विक के, उनके जो नाम थे वो जीटीआई कंपनी के रजिस्टर में उनका नाम नामांकित हुआ है। लेकिन ये एक ब्रोकर नहीं है, ये भी एक क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म था, और एक बिचौलिया कंपनी थी जीटीआई और आपके बीच में। तो स्विक जो है वो अब नहीं है, और जीटीआई जो थी 2020 में, फरवरी 2020 में उन्होंने उनके साथ काम करना बंद कर दिया, और 2020 से पहले जो क्लाइंट्स थे उनके पास मौका था कि वो एक जो दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने अपने शेयर्स को हस्तांतरित कर लेते, वो बहुत सरल था। तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सह मालिक जो है वो किस प्रकार बनते हैं, चाहे वो आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स है या वो एसडब्ल्यूसी है जो कि एक प्लेटफॉर्म है, और हम लोग एक अलग प्लेटफॉर्म है। तो हमारा जो कार्य संचालन की जो विधि है वो एक जैसी है, प्लेटफॉर्म अलग है, और हम लोग वाकई में ये कह सकते हैं कि हम लोग दो दोस्त हैं। और वो क्यों? क्योंकि हम सभी लोग जो है जो प्रौद्योगिकी का समर्थन कर रहे हैं जो कि हम लोगों को जोड़ती है, डॉक्टर यूनिट्स की प्रौद्योगिकी है। परंतु अब प्रश्न ये है कि
कि आप किसके साथ काम करना चाहते हैं, ये निश्चय आपको करना होगा। और एक बहुत ही सरल उदाहरण है, जैसे कि आप जो है एक सॉसेज जो है वो आप जो मीट है वो आप सुपरमार्केट से खरीदते हैं, और ये जो मीट है ये आप 15 और सुपरमार्केट से खरीद सकते हैं, लेकिन हर एक मीट के ऊपर आपको एक लेबल दिखाई देगा जहां पर आपको मीट प्लांट का, यानी कि जहां पर ये मीट बनता है उसका उसका पता आपको प्राप्त होगा। वो आपको ये नहीं बताएगा कि आपने कहां से खरीदा है, किस सुपरमार्केट से खरीदा है। आपके पास केवल रसीद होगी कि आपने कहां से खरीदी है, लेकिन हमारे पर्यावेश में आपके पास बैक ऑफिस होगा जिसके माध्यम से आपका नाम जो है वो रजिस्ट्री के अंदर होगा, चाहे वो RSW सिस्टम के बैक ऑफिस के सिस्टम से या फिर वो SWC के बैक ऑफिस के माध्यम से। परंतु आपको GTI रजिस्ट्री से आपको एक सारांश प्राप्त होगा, तो आप ये फर्क नहीं पड़ता कि आपने कौन से सुपरमार्केट से मीट खरीदा है। हमारे लिए भी आप जो है उस बौद्धिक संपदा का हिस्सा होंगे, और ये जो बौद्धिक संपदा है उसके मालिक ग्लोबल ट्रांसपोर्ट इन्वेस्टमेंट है, और आप उस में से एक होल्डिंग का हिस्सा है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से प्लेटफॉर्म से आप निवेश कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और तो क्यों नहीं इन दोनों प्लेटफॉर्म्स को जोड़ दिया जाता, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो अलग अलग टीम्स हैं, ये अलग अलग तरीके हैं व्यवसाय करने के। वो क्यों अलग हैं? उनका विपणन का रवैया अलग हो सकता है, मार्केटिंग अप्रोच अलग हो सकती है, और जो बाजार के तरीके हैं करने के वो अलग हो सकते हैं। अलग अलग भूगोल जो है, अलग अलग क्षेत्र जो है जो हम कवर करते हैं वो अलग हैं। विविधता जो कि जोखिम को लेकर है वो अलग है। और ये वाकई में एक अच्छी बात है कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ये कार्य कर रहे हैं, और सुपरमार्केट जो हैं वो मीट को बेचकर वो कहीं जुड़ नहीं जाती हैं। हर सुपरमार्केट अलग है, हर सुपरमार्केट अलग तरीके से कार्य करती हैं। जैसे कि SWC के पास अपने खुद के नए उत्पाद हैं, वो अलग अलग ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो लेकर आ रही हैं हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर। अलग अलग तरह के प्रस्ताव होंगे, फायदेमंद ऑफर्स होंगी, और उनके बारे में मैं अभी बात नहीं करने वाला हूं, और ये सितंबर जब शुरू होगा तब मैं उसके बारे में बात करूंगा। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि मैंने इसका बहुत बहुत अच्छे से मैंने आपका खुलकर उत्तर दिया है, और मुझे लगता है कि ये जो उत्तर है ये उत्तर केवल आप ही के लिए फायदेमंद नहीं रहेगा, लेकिन उन लोगों के लिए भी फायदेमंद होगा जो कि आपके साथ इस बैठक में जुड़े हैं या जो इसकी रिकॉर्डिंग को देखेंगे। अगर आपके पास अभी भी प्रश्न है तो आप वो प्रश्न पूछ सकते हैं, यदि आपके पास अभी भी समय है तो। लव ने यहां पर लिखा है कि जितना मुझे मालूम है कि आपके जो जितने भी आपकी व्यक्तिगत राय है वो आधिकारिक जो है वो स्टेटमेंट्स बन जाती हैं। तो जी हाँ, धन्यवाद है आपके विश्वास का। तो यदि आप इस चीज को समझते हैं कि कंपनी जिस पथ पर चल रही है, और आप ये भी समझते हैं कि डॉक्टर निक्स की हमेशा अपने वायदों को पूरा करते हैं और वायदों से कहीं ज्यादा चीजें पूरा करते हैं, तो मैं कुछ चीजों का अनुमान लगा सकता हूं, और ये कंपनी जो है वो क्या मार्ग अपनाने वाली है, क्या विकल्प लेने वाली है, और भविष्य में क्या होने वाला है। तो मैं कहीं ना कहीं जो है भविष्य का अनुमान लगा सकता हूं।
तो रुझान को का पता मैं पहले लगा सकता हूं। तो जो आपकी जो टिप्पणी है, जो हम लोगों ने 15 अगस्त को जो बैठक किया की थी, जहां पर हम लोगों ने बताया था कि लाभांश के बारे में जो जानकारी दी गई थी, और 2019 में मैंने इसके बारे में पहले ही बता दिया था, अनुमान लगा लिया था कि बहुत सारी चीजें जो मैंने बताई थी और वो अब इस घोषणा पत्र में मौजूद हैं। तो मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि जी हाँ, कि मुझे एक या दो चीजें इस कंपनी के बारे में पता है और मैं वही चीजें कर रहा हूं जो मुझे करनी चाहिए। तो एक बार फिर से धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका रोमान, आपके प्रश्न का, आपकी टिप्पणी का, और लव किए हुए टिप्पणियों का और दूसरे प्रतिभागियों का। तो दोस्तों, मैं यहां पर एक बार आपको याद दिला दूं कि इस शनिवार को 6 बजे सेंट्रल यूरोपियन टाइम के अनुसार हम लोग एक प्रस्तुतिकरण करने वाले हैं। तो मैं यहां पर आपसे कहूंगा कि जो आखिरी के 2 दिन बचे हैं ग्रीष्म के, 29 अगस्त, 30 अगस्त और 31 अगस्त, तो आप जो हैं, जो ये 2 या 2.5 दिन हैं, जितने ज्यादा लोगों को आप बुलाना चाहते हैं आप बुलाएं, नए लोगों को बुलाएं, जिनके साथ जिनको जिनको मैं बताने की कोशिश करूंगा कि ये मौका, ये अवसर है क्या, और बहुत सरल भाषा का इस्तेमाल करेंगे, और ये क्यों स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के अंदर उनको निवेश करना चाहिए, और ये क्यों फायदेमंद है कि हमारे क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है निवेश करने का, खास करके जो चीजें, जो तब्दीलियां इस प्लेटफॉर्म के अंदर आने वाली हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो कि लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो ग्रीष्म के आखिरी कुछ दिन आपके लिए बहुत बेहतर हो, और मैं कामना चाहता हूं कि आप सफलतापूर्वक प्रमोशन करें और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करें, और जो हम लोग जो सामूहिक उद्देश्य जो हम लोग जिसको प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, ये वाकई में बहुत ही ईमानदारी से कहूं तो बहुत ही अच्छा उद्देश्य है, और जो हम लोगों ने जो जो निश्चय किए हैं, निर्णय लिए हैं, वो वाकई में बहुत अच्छे निर्णय लिए हैं। और अनुवादकों का धन्यवाद, और जो कि पिछले 2 घंटे से हमारे लिए अनुवाद कर रहे हैं, मैं रुस्लान का भी धन्यवाद देना चाहूंगा जो कि अनुभव कर रहे हैं बहुत ही मुश्किल समय को, लेकिन फिर भी वो इस बैठक के अंदर आए हैं। तो आप सभी के लिए ये जो संध्या है वो शुभ हो, और आपको अब हम फिर मिलेंगे शनिवार को 6 बजे सेंट्रल समय के अनुसार, भारतीय समय के अनुसार 8:30 बजे।